टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 व्यूअर्स का पसंदीदा शो बन चुका है। इसका अंदाजा इसके टीआरपी से ही लगाया जा सकता है, जो लगातार टॉप पर बनी हुई है। इन दोनों शो में हो रहे जबरदस्त ड्रामा व्यूअर्स को खूब पसंद आ रहा है। इसी वजह से तो बेसब्री से वीकेंड का इंतजार कर रहे होते हैं। पिछले एपिसोड में रुबीना दिलीक और मोहित मलिक में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिस पर अब जाकर मोहित ने अपनी खामोशी पर जवाब दिया है। वेल, मोहित ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हम सब अपना बेस्ट दे रहे हैं और अच्छी फीलिंग्स के साथ गेम खेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गेम में जो कुछ भी हुआ वो गेम तक ही रहेगा, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज शांत रहें और ये याद रखें कि ये बस एक गेम शो ही है। वेल, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के चैलेंज के कारण टीम मेंबर्स में काफी ज्यादा मनमुटाव आ गया था। दरअसल मोहित मलिक रेड टीम के कैप्टन थे और उन्होंने रुबीना को एलिमिनेशन स्टंट के लिए चुना था। मलिक के इस फैसले से रुबीना खुश नहीं थी। एलिमिनेशन टास्क के लिए खुद के चुने जाने से रुबीना खुश बिल्कुल नजर नहीं आई। मोहित के इस डिसीजन पर तुषार कालिया और राजीव अदातिया भी काफी ज्यादा अपसेट नजर आए थे। वेल, इसी के चलते ही अब सुर्खियों में बने हुए हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में रुबीना दिलीक और मोहित मलिक में स्टंट को लेकर इससे पहले भी बहसबाजी हो चुकी है। कंधे में चोट लगने के बाद रुबीना काफी सारे स्टंट में शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद वो मोहित मलिक से भिड़ गयी। ऐसे ही ट्रेंडिंग खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।